नमस्ते, मैं आप एक बड़ी महान हस्ती से आपका परिचय करने के देने रहा हूँ, जो दिल्ली से आए हैं, महंत जी है और वो धर्म कार्य के लिए, सनातन धर्म के लिए पूरा प्रचार करते हैं। तो उनकी आपके माध्यम के चैनल से हम आपको उनका परिचय करवा के देंगे। और स्वामी जी क्या कहने वाले हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके तरफ जाने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें, यह मैं आपको विनंती करता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी शैलेशानंद श्री महंत श्री पंचायती महानिर्वाही अखाड़ा नर्मदा तट गुजरात एवं दिल्ली, जो मानस मंदिर हमारा ग्रंथ है, वहाँ से हम एक बहुत सुंदर सनातन की व्यवस्था के लिए, सनातन का धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए एक सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाया, जिसमें समस्त धार्मिक और हमारे जो संत हैं उनके रिलीजियस पैलेस के जितने भी प्लेस हैं, ऐसे जो हमारे रिलीजियस प्लेस हैं, उनके बायोडाटा मतलब डायरेक्टरी और डॉक्यूमेंट्री के लिए, उसमें हमारे वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र पुराण उपनिषद समस्त ज्ञान का जो माध्यम है मेडिटेशन योगा इत्यादि का, वो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों के द्वारा लोगों को प्राप्त हो सके, सनातन की जानकारी मिल सके, सनातन से रूबरू हो सके। इसके लिए हमने सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाया है, जो प्ले स्टोर गूगल पर उपलब्ध है, आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको समस्त भारत का विश्व के संत महात्मा और मठ मंदिरों की जानकारियाँ प्राप्त होगी। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सनातन, वैसे तो सनातन नित्य था, नित्य है और नित्य रहेगा। सनातन को ना कोई तोड़ सका है ना तो कोई तोड़ सकेगा। तोड़ने वाले बहुत प्रयास करते हैं, पर जोड़ने वाला एक परमात्मा है। क्योंकि सनातन कभी बनाया नहीं गया है, क्रिएटेड नहीं है, किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ धर्म है, धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म कोई बनाने की वस्तु नहीं है, जो किसी ने बना दिया और धर्म हो चुका। चाहे वो कोई भी पंथ हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हम किसी को धर्म नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई विचारधारा एक समय एक अवधि एक किंचित कह सकते हैं कि कुछ समय पहले उठती है, विचारधारा के रूप में प्रकट होती है और अपने आप को धर्म का रूप रूपांतरण कर लेती है। इसलिए धर्म वह कभी हो ही नहीं सकता। धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म, सत्य ही एक धर्म है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्चयोनिम निहितम च सत्य सत्यात्मकम पम शरणम प्रपन्न। सत्य की शरण में जाने वाला धार्मिक होता है और धर्म सत्य ही धर्म कहलाता है। इसलिए सनातन को जानना है तो सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है। आप सभी सनातन को जान सके, सनातन के संतों को जान सके, सनातन के मठ मंदिरों को जान सके, सनातन की परंपराओं को जान सके, सनातन में कितने मतलब 13 अखाड़ों की चतु संप्रदाय की जो परंपराएं हैं उनके बारे में जान सके, अद्वैतवाद के बारे में जान सके, अद्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट शुद्धाद्वैतवाद क्या है, अनेकानेक प्रकार के जो आपके मन में प्रश्न है, जो बहुत समय से चल रही प्रश्नों पर ही है, उसका उत्तर मिल सके, इसके लिए सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाया गया है। आप सबको सनातन रूपी एक जो सागर है, जिसे हम नदी भी नहीं कहेंगे, सरिता भी नहीं कहेंगे, कुंभ भी नहीं कहेंगे, जलाशय भी नहीं कहेंगे, जो समुद्र है, जो सागर है, वही सनातन है। इसमें सभी प्रकार के पंथ परंपराएं नदियां रूप में, जलाशय के रूप में उभर करके आते हैं और समाहित हो जाते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए आप सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन से जुड़े, हमारा यही आप सभी से अनुरोध है। और एक ही हमारा तो संकल्प है कि सनातनी कैसे होने चाहिए और आज की युवा पीढ़ी जो मार्गदर्शन जिसका भटक रहा है, जिसके मार्गदर्शक मंडल भटके हुए हैं, इसलिए मार्गदर्शन करने वाले भटके हुए हैं, और जो शिक्षा पद्धति है उसके कारण आज की युवा पीढ़ी संतप्त विक्षिप्त और संदेहात्मक हो गई है। संदेह में जाने वाला व्यक्ति कहा गया संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वह पाश्चात्य और सनातन के मध्य में पिस रही है, उसका कोई जो भी संशय है ना तो कोई धार्मिक आध्यात्मिक या परमार्थिक या व्यवहारिक या संसारिक किसी भी रूप से उसके संशय पूर्ण नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारा एक ही संकल्प है, क्योंकि हमारी समस्त युवा पीढ़ी कैसी हो जाए, कैसी कथानक व्याकरण समझे, सुरभित छंद हो जाए,
हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये हम सब मांगते तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी टेलीविजन से जुड़ी हुई है, उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसी एप्लीकेशन और ऐप के माध्यम से हम सनातन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन से जुड़े। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय सनातन। जय सनातन। स्वामी जी ने अभी जो आह्वान किया है कि सनातन जो ऐप बनाया है, आपको मैं उनके माध्यम से आपको विनती करता हूँ कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म कैसा चलता है, ऋषि मुनि का कार्य कैसा चलता है, ये सब जानकारी उसमें है। तो आप सनातन धर्म को पहले जानिए, समझिए, तब समझ सकते हैं अपन जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे। तो आपको पूरे मैं पुनः एक बार विनती करता हूँ, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सनातन धर्म को समझिए। धन्यवाद। धर्म को समझिए। धन्यवाद। श्रोताओ, अभी आप बात अभी आपको मिलवाता हूँ। झांसी के स्वामी जी है राजेश्वरानंद जी, ये लातूर नगरी में पधारे हैं। मैं उनको विनती करता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। श्री विद्यानंद जी सागर की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। बहुत ही आनंद आया। परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी विद्यानंद सागर जी के कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की जितनी ही सराहना करो उतनी ही कम होगी, पर ये सारा प्रताप, तपस्या का प्रताप हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी की असीम कृपा का ये सभी को लाभ मिल रहा है। अभी हमारे महाराज श्री जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि सनातन धर्म में बहुत ही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही लाभ ले रही हैं और लेती आई और लेती रहेंगी। जो हमारे सनातन धर्म की छत्र छाया में आ जाएगा, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज हमारे वो सनातन प्रचार डिविडेंड घोष करके कर रहे हैं कि जो हमारे सनातन से चलेगा, जो हमारा सनातन बनेगा, वो सदा शांति से सुन में रहेगा। इसलिए हम महाराज श्री जी हमारी जो जब पसंद आती है, पसंद आती है, और जब गुरुदेव श्री स्वामी पाटिल जी है ऑफिस समोर जे देणगी काउंटर गीता है त्यांना त्याच्याकडून चाबी घ्यायची भागवत गीता जे पुस्तक ते याच्यामध्ये ठेवलेले आपल्या केरी बाई मध्ये चालते घेऊन दहा घेऊन साधारण तपस्वी नाही होगी। इसलिए सबसे पहले हम उस माँ को बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयाँ देंगे जिन्होंने ऐसे महान दिव्य पुरुष का जन्म दिया है। तो हमारे महापुरुषों ने बताया है, धन धन है ऐसी माता जिसने ऐसे संत पुजायो, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे पर ध्यान किसी की न आयो, तूने अपनी गोद खिलायो, तूने ऐसे संत पुजायो। धन धन है ऐसी माता जिसने ऐसे संत पुजायो, भगत ऋषि सवे भोग लगावे पर भोग किसी का न खायो, तूने अपना दूध पिलायो, संत पुजायो। धन धन है ऐसी माता जिसने संत पुजायो, भगत किसी सब भोग लगावे पर भोग किसी का न खायो, संत पुजायो। धन धन है इस्लाम
ध्यान किसी की न आयो तूने उंगली पकड़ चलायो तूने सनातन को झंडा ले लायो सब संगत को आनंद आया हो तो परमात्मा से एक प्रार्थना करो क्योंकि ऐसे ही महापुरुष की अब धरातल में जरूरत है। जब तक चंदा सूर रहेगा और गंगा में पानी इस धरातल में ऐसे ही अजर अमर विद्यानंद सागर स्वामी जी, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो रहा है जो अनिष्ट प्रथा और ला रहे हैं, पहले तो हैप्पी बर्थडे ये करने का, केक कटने का उसमें, या अभी जो अभी नया साल अभी चालू हो गया उसके एक दिन पहले 31 दिसंबर को ये करना, सेलिब्रेशन करना, ये भारतीय ये परंपरा पहले नहीं था, तो इसके बारे में आपको दुख होता है क्या? आप महंत जी बोल के, स्वामी जी बोल के, आप समस्त युवा पीढ़ी को क्या आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पहले नहीं होता था आपने कहा और अब होता है, तो इसके लिए ना तो ये पीढ़ी जिम्मेदार है, इसके लिए पिछली पीढ़ी ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिन्होंने उस लॉर्ड मैकेलिस वाली शिक्षा पद्धति को ग्रहण किया और अपने बाप दादाओं को जानवर मान लिया, जैसा कि शिक्षा में कहा गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, आदि मानव थे, पत्थर पेड़ों जंगलों में रहा करते थे, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को ही खो दिया, हमने हमारी संस्कृति को ही खो दिया, हमारे अस्तित्व को ही खो दिया, हमारे स्वाभिमान अभिमान को ही खो दिया, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया कि हम थे ही नहीं। शिक्षा में ऐसा आया एक जगह कि भारत की खोज कब हुई, बोले 1498 में भारत की खोज हुई। क्या उससे पहले भारत नहीं था? भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारा इतिहास देखा जाए तो जड़ भरत जी से लेकर के ऋषभदेव जिनके पुत्र भरत थे, जिस राम जी के भाई जो भरत थे, उनके नाम से भारत वर्ष पड़ा। हमारे इतिहास को अनंत करोड़ों करोड़ों वर्ष का हमारे पास इतिहास है, फिर भी हमें 2000 साल, 700 साल, 1000 साल, 1500 साल इतना ही पुराना इतिहास बताया और पढ़ाया गया। यहाँ तक कि हमारी पीढ़ी को, एक पीढ़ी के साथ तो ठीक है, जो इससे पूर्व में 21वीं सदी की पीढ़ी को हम गुनाहगार साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो बड़ी इनोसेंट है, बड़ी प्यारी है, बड़े सुंदर है, बड़े सुविचार वाले हैं, बहुत जल्दी मानने और जानने वाले हैं। लेकिन जो इससे पूर्व में सत्ता और पीढ़ियां थी, उन्होंने जो गलती करी उसका भरण पोषण आज की पीढ़ी को करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि हमने ये नहीं माना होता कि भारत की खोज किसने की, बोले वास्को डी गामा ने 1558 में, हमारे पूज्य बंदर थे, अरे हमारे पूज्य रामकृष्ण है, हमारे पूर्व सप्त ऋषि है, हमारे पूर्व ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम उनको भूल करके हम बंदरों में आ गए। अरे यदि बंदर, चलिए हम मान भी लेते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बार हमारे पूर्वज बंदर थे भी, तो क्या 2000 साल में एक भी बंदर मनुष्य बना? नहीं, क्यों नहीं बना? अरे यदि हमें गलत ही पढ़ाया गया है तो हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद मान लेते हैं कि हम गलत पढ़ रहे हैं। उस शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए था, लेकिन विरोध ना करके हम उस शिक्षा नीति को अपने ऊपर लादते गए, और शिक्षा ही ऐसी वस्तु होती है जो हमारे जीवन में आचार विचार व्यवहार संस्कार संस्कृति सभ्यता सबको धारण कराती है। हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से हट के उसका कारण स्कूल शिक्षा था। जो भी बचा हुआ है वह हमारे संत महात्मा और सनातन कृपा है इस समाज पर, इस पीढ़ी पर, जिसके आज बचा है, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर हो, चाहे हैप्पी बर्थडे हो, चाहे कोई भी पाश्चात्य की सभ्यता हो या पाश्चात्य की प्रेरणा हो, हमारी शिक्षा के कारण हुआ है।
जो हम पर थोपी गई है, लादी गई है या जबरदस्ती हमें पढ़ाया गया है, नहीं तो मार्कशीट में अंक नहीं मिलेंगे। एक भय दिखा करके एक कागज का टुकड़ा हमें नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमें झूठ बोलना होगा, हमें झूठी परंपरा, झूठी सभ्यता, झूठी संस्कृति और झूठे संस्कार डालने के लिए झूठी शिक्षा हमें पढ़ाई गई। इसके कारण पाश्चात्य हमारे ऊपर हावी हो रहा है और सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा है। जैसे ही हमारी सनातन संस्कृति में शिक्षा का, सनातनी शिक्षा का आगमन होगा, वैसे ही हमारे इस पाश्चात्य का आवरण हट करके दूर भाग जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमारा आप सभी से अनुग्रह आग्रह है कि सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन से जुड़े, सनातन से जुड़े और अपनी शिक्षा संस्कृति को, संस्कारों को जानते हुए अपनी सभ्यता को धारण करें, पाश्चात्य अपने आप दूर हो जाएगा। ओम नमो नारायण, जय सनातन। महाराज, मैं अंत तक जाने के लिए करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा हो रही अभी जो आपको की वजह से ये हो रहा है कि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने नया शिक्षा नीति लाया है। नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, 70-75 साल पहले जो सरकार आई थी उसने हम पर एक जबरदस्ती आघातक, जो हमारे लायक भी नहीं थी, उस शिक्षा को हमारे ऊपर थोप दिया और हमारे जो बड़ील थे, वृद्ध थे, जिन्हें हम अपने पूर्वज कह सकते हैं, उन्होंने बड़े सहर्ष से स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कई वर्षों नहीं, सैकड़ों सालों बाद आजादी मिली थी। वो इतने इनोसेंट थे कि उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। उसके बाद भी आज 70-75 साल बाद कोई सरकार जागृत होकर के हमारी नई शिक्षा नीति में हमारे धर्मशास्त्र और ग्रंथों को धारण कराए और करा रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देंगे कि ऐसी सरकार क्या इससे भी सुंदर सनातनी सरकार आए और सिस्टम बने कि जिससे हमारे भारतवर्ष का जो विश्वगुरु का सपना है वह पूर्ण हो, हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण हो। हम इसकी ही कल्पना और संकल्पना करते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री नमो नारायण, धन्यवाद।